मॉर्निंग गाइस। सो कल वाले वीडियो में लोगों ने मेरे को जितना गाली दिया है आज तक लास्ट 3 साल में कोई एक भी वीडियो में इतना गाली मैंने नहीं सुना था। मतलब क्या क्या गाली है। सो भाई वाह क्या ऑडियो है, वाह वाह वाह। कल वाले वीडियो में ये हेलमेट के लिए मेरे को बहुत गाली पड़ा हुआ है। लोगों ने कहा कि सोम भाई ऑडियो क्लियर नहीं, ऑडियो डिस्टॉर्टेड है, ऑडियो क्लियर ही नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे ऑडियो हो सकता है आपकी वीडियो में, ऐसे कैसे ऑडियो हो सकता है? आप तो सबसे मतलब इतने हाई क्वालिटी में ऑडियो वीडियो डालते हो, ऐसे कैसे आप ऑडियो डाल सकते हो? बेसिकली उसका एक बहुत बड़ा वाला लोचा है, मैं आपको ये वाला वीडियो बताऊँ। ये वाला वीडियो खतरनाक टेक्निकल होने वाला है। सो जिनको भी कुछ नया वाला लर्न करना है, ये वाला वीडियो को लास्ट तक देखो। कितना मतलब कितना एक 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 बारीकी से एक एक सामान के अंदर घुसना पड़ता है, आपको ये वीडियो से मालूम पड़ जाएगा। सो बेसिकली मेरा जो मोटर व्लॉगिंग का सेटअप मैंने किया, एक बेसिक वाला हेलमेट लेके DJI Osmo Action 3, उसके बाद सीधा अपना उसमें USB-C वाला होल है, USB सीधा घुसा देता हूँ एंड माइक अपना लगा हुआ है। बट उसके बाद जाके 2-3 दिन में उसको पूरा रिसर्च करने के बाद ये मालूम पड़ा कि एग्जैक्टली इतना ईजी ने सेटअप नहीं हो सकता। सिंस इट्स DJI वो उसको कॉम्प्लेक्स करेगा ही करेगा एंड इट्स एक्चुअली कॉम्प्लेक्स। अभी मैंने लास्ट 3 दिन में ऑलरेडी 2-2 माइक मैंने खरीद लिया और भी एक माइक भी आ रहा है अमेजोन से ऑर्डर होके है। इसके लिए आई पेड समय अराउंड 7,000 रुपीज़, इसके लिए आई पेड समय अराउंड 5,000 रुपीज़। बट ये जो दो है वो था USB-C, मतलब USB में डायरेक्टली लगे USB-C वाला माइक है, बट DJI में ये डायरेक्टली काम नहीं करेगा। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाला प्रोसेस है। रिसर्च करने में मेरे को पूरा 1 दिन लग गया। अभी उसके लिए सारा सामान लेके आना पड़ेगा। अभी अगर मेरा आप देखोगे YouTube का हिस्ट्री, पूरा हिस्ट्री में अभी ओनली वही पड़ा हुआ है वीडियोज़ कि USB-C Osmo Action 3 का ऑडियो कैसे लगाना है, क्या करना है, कैसे करना है, उसी का ही पूरा वीडियो लगा। बट कोई एक भी वीडियो में प्रॉपर वाला रिजोल्यूशन नहीं था। बट एक वीडियो से मैंने ये वाले बंदे का वीडियो से मैंने बहुत कुछ मतलब छोटे छोटे चीज़ निकालने के बाद देखे आई ऑलमोस्ट फाउंड द एक्चुअल मेन फिक्स। यही वाले वीडियो के अंदर छोटा वाला एक आइडिया था, वहीं से मैंने निकाल के फाइनल सोल्यूशन निकाला है। सो बेसिकली फाइनल सेटअप इज गोइंग टू बी लाइक दिस। आपको ये 3 सामान चाहिए इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बेस्ट मोटो व्लॉगिंग सेटअप विद द DJI Osmo Action 3। तो Osmo Action 3 में सबसे पहला ये वाला लगेगा, दिस इज द बोया अपना TRS फीमेल टू टाइप सी। तो टाइप सी घुसेगा अपना Osmo Action 3 के अंदर, उसमें से निकलेगा TRS फीमेल। उसके बाद TRS फीमेल के सामने ये वाला लगेगा रोड SC3। दिस वन इज TRRS to TRS। सो जिनको ऑडियो इंजीनियरिंग बारे में मालूम है उसको TRS TRRS का डिफरेंस मालूम होगा, कुछ लोगों के लिए नया होगा। सो ये जो इसके अंदर TRS फीमेल के अंदर ये वाला TRS का मेल घुसेगा, ये TRS का मेल घुसेगा। उसके बाद TRRS का फीमेल के अंदर अपना ये रोड का स्मार्ट लैब ये जो माइक घुसेगा। उसके ये 3 कनेक्ट होने के बाद जाके आपको पूरा परफेक्ट ऑडियो आएंगे, डायरेक्टली USB से नहीं आएगा। आपको ये 3 सामान चाहिए ही चाहिए, दिस 3। मैं आपको ये तीनों का लिंक भी नीचे डालता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये TRS TRRS का एक भी गलती होता है आपका ऑडियो इज नॉट गोइंग टू वर्क। यू एग्जैक्टली नीड दिस 3 आइटम्स ओनली। अभी ये तीनों को मेरे को जाके अगर मैं अमेजोन से ऑर्डर करता हूँ इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। सो अपने को सीधा मार्केट जाएंगे, इसको इमीडिएटली लेके आएंगे, पहले फोन मारते हैं स्टॉक पे है कि नहीं। तो यहाँ मेरे घर के पास एक ही अपना दुबई हिल्स वाला मॉल है, उसके अंदर है सराफ DJI है एंड वर्जिन मेगा स्टोर है। दोनों को फोन मार के पूछते हैं भाई ये 3 सामान है कि नहीं। जिसके पास होगा इमीडिएटली विल गो ड्राइव पिक इट अप एंड कम बैक, उसके बाद इमीडिएटली बाइक में टेस्ट करें। क्योंकि जब तक ये वाला लोगों ने जितना गाली दिया, अगर मैं इसको आज फिक्स नहीं करके आज उनको फिक्स कर नहीं दिखाएगा मतलब कांड हो जाएगा। क्योंकि इट्स बेसिकली ये सीन कि सोम भाई कैसे गलती कर सकते हैं, ऐसे कैसे ऑडियो वाला वीडियो डाल सकते हैं। मैं एक्चुअली डाल दिया कि वीडियो शूट हो गया था, बहुत कष्ट करके मतलब वीडियो बनाया गया था, उन्होंने डाल देते हैं और भी वीडियो उसको भी डाल दूंगा, बहुत फिर से लोग गाली रिपोर्ट मालूम है। बट ये वाला फिक्स तो करके ही रहेंगे, आज वाला फिक्स करें, फोन लगाते हैं उन्होंने। वर्जिन मेगा स्टोर, ओके वर्जिन मेगा स्टोर। All right. مرحبا بك في خدمة عملاء شرف DJI. Welcome to Sharaf DJI Call Center. للغة العربية اضغط 1. No sir, we do not have. No sir, we do not have. Okay, no problem. Thank you. गया फेल। अभी इनके पास है ही नहीं, कुछ भी सामान नहीं था। वर्जिन मेगा स्टोर फोन लगाते हैं। ओके सो गाइस फाइनली यही हुआ कि मैं खुद ही बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ा। यहाँ के लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं है TRS का मतलब क्या है, TRRS का मतलब क्या है। एक ऑडियो स्टोर को फ़ोन किया उसको ही मालूम नहीं है TRS एंड TRRS का मीनिंग क्या है। बट एनीवेज अभी इसका मैंने देखा कि बहुत सारा ऑप्शंस है, मतलब चीप से लगे एक्सपेंसिव तक बहुत सारा ऑप्शंस है। बट आई ऑलवेज गो फॉर द मतलब जो सबसे अच्छा रहेगा उसको लेने का, क्योंकि बाइक के लिए जो रहेगा वो बेस्ट वाला होना चाहिए। एक बार बेस्ट सेटअप करो, पैसा एक बार खर्चा होगा, बट एटलीस्ट पूरा मतलब
पूरा लाइफ टाइम के लिए सेटअप रहेगा। मेरा पुराना S1000 एंड GSM में मेरा से पूरा प्रॉपर एक पूरा सेटअप था लेवलियर के साथ, स्मार्ट लैब प्लस के पूरा परफेक्ट ऑडियो वीडियो आता था। यहाँ ही मेरे को परफेक्ट लेकर करना पड़ेगा, उससे पहले हेलमेट को चेंज करना क्योंकि ये हेलमेट में हर जगह से हवा लगता है। बट एनीवेज अभी का मैं आपको फाइनल क्या मैंने ऑर्डर किया उसको एक बार आपको दिखा देता हूँ। फिर फाइनली ये वाला चीज़ ऑर्डर किया गया है। सो दिस इज द रोड लेवलियर 2 प्रीमियम अल्ट्रा लो लेवलियर वाला माइक। सो ये वाला लगा कितना, 10,000 रुपीज़ ऐसा कुछ लगा। एंड ये वाला अपना एप्पल का USB-C2 हेडफोन जैक अडेप्टर, अभी एप्पल के यहाँ में देख रहा था, दिस इज TRS कॉम्पेटेबल। एंड ये जो अपना माइक है ये भी TRS है, तो ये परफेक्टली घुस जाना चाहिए, डायरेक्टली काम करें, होपफुली इट्स गोइंग टू वर्क। मैंने ऑर्डर कर दिया, कल 12 बजे पहुँच जाना चाहिए, कल रात में इसको टेस्ट करें एंड कल वाला व्लॉग में आपको पूरा लाइव डेमो भी हो जाएगा। दिस इज आवर फाइनल टेस्ट विद द USB-C, देखते हैं ये वाला काम करता है कि नहीं। अगर काम करेगा तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं काम किया एनीवेज अपना कल अपना फिर से पूरा नया वाला सेटअप आ रहा है उसको भी अपन एक बार ट्राई कर लेंगे। इसको एक बार तो ट्राई करना बनता है क्योंकि DJI वालों से कुछ हेल्प वैसे मिला नहीं, तो DJI वाले ऑफिशियली कुछ क्लियरली नहीं बोलते कि उनका USB-C में डायरेक्टली मतलब कंपैटिबिलिटी है कि, वो तो पूरा कंफ्यूज करके रखे हैं क्योंकि नॉर्मली वो कहते हैं कि उन्हीं का ही मैक का यूज़ करो, उनका माइक को यूज़ नहीं करना, वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हो, अपना वाला जो सेटअप उसको ही रेडी करेंगे। सो अभी इस बार देखते हैं ये वाला कैसे काम करता है, अगर नहीं काम करता कल वाला सेटअप आने का तो उसको एक बार ट्राई करेंगे। तो दिस इज़ अवर फर्स्ट नहीं, दिस इज़ अवर सेकेंड ट्रायल, काम करता है कि नहीं लेट्स ट्राई। चलो चार्ज हो गया होगा, मैं चार्ज में लगा के गया था, चार्ज चार्ज चार्ज। दिन के टाइम में तो टाइम ही नहीं मिलता है, रात के टाइम में ही टाइम निकालना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके। टक 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 टक, चलो रे चलो। ऑडियो भाई ठीक आ जाए खाली एक बार, इस बार एक बार सेटअप हो गया तो काम खत्म है। कार का चार्ज फुल हुआ कि नहीं लेट मी चेक, 95% फेयर इनफ, बंद कर देते हैं। बड़ा स्ट्रेस टेस्ट हो जाएगा अभी अपना ऑडियो का रिकॉर्डिंग। यस लेट्स गो, जय हनुमान भाई, ऑडियो सही आ जा। कल तो पूरा होल राइड में ऑडियो पूरा बेकार था, हेलमेट को जल्दी से चेंज करना पड़ेगा, ये हेलमेट साला बहुत ज़्यादा पंगा कर रहा है ना, फिन लॉक है। देखते हैं ऑडियो कैसे आता है, एग्जॉस्ट का नोट मेरे को तो पूरा क्लियरली आ रहा है, बट कैमरा में ऑडियो कैसे कैप्चर हो रहा है वो कैमरा में ही मालूम पड़ेगा। वेदर तो भाई जबरदस्त, अरे बीच में इतना बड़ा बड़ा होम से लोग क्यों बनाते हैं, बट इतना बड़ा है इसमें लैम्बोर्गिनी नीचे टच में भी नहीं होगा, इतना अच्छा से बनाते हैं लोग होम्स को। चल आगे से एक यूटर्न लगा के आते हैं, एक बार ऑडियो को भी टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद जाके फिर से ऑडियो में एक छोटा सा सेटिंग चेंज करके देखेंगे। अभी चलो भाई, लोग मालूम नहीं पड़ रहा है कि ऑडियो ठीक से आ रहा है कि नहीं क्योंकि सुना ही नहीं दे रहा, मैं इसको खोलने के बाद फिर घर जाके सीधा ट्राई करूँ। तो दिस इज़ लास्ट ट्राई, काम किया तो ठीक है, नहीं तो कल अपना नया वाला जब केबल आ जाएगा, अपना वो जो रोड वाला आया है प्रीमियम लेवलियर 2 वाला माइक, उसके बाद एप्पल वाला केबल आ रहा है, उसके बाद कल सीधा अपन ट्राई करेंगे रात में। दिस इज़ गोइंग टू बी लास्ट, काम किया तो ठीक है, नहीं काम किया तब भी ठीक है। माइक किधर है एक बार देख लेते हैं, माइक किधर है, ओके परफेक्ट, नीचे ही जगह में ही है, तो आवाज़ फटना नहीं चाहिए। तो ग्रीन 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 भाई, रेड मत हो, रेड मत हो, रेड मत हो, फरार। यस इसका मेरे को लगता है इशू मेरे को समझ में आएगा, USB-C से एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि गेन कंट्रोल सही से हो नहीं पा रहा है, उसके लिए उसको USB-C से पहले उसको TRS कन्वर्टर लगाना पड़ेगा, उसके बाद या तो डायरेक्टली TRS का आप माइक लगा लो या फिर TRS से TRSS का कन्वर्टर लगा के TRSS का माइक लगा लो, यही है इसका फाइनल सॉल्यूशन, यही मेरे को इतना ये दो दिन का रिसर्च में समझ में आ गया।
got back from the night ride, छोटा वाला ride adjust के लिए मैं मार के आ गया देखने के लिए audio कैसे आ रहे हैं. audio पूरा spot on perfect आया. इतना सारा research के बाद finally अपना setup ready. अभी कल जो सामान मैंने order किया उसको भी अपन रखेंगे, क्योंकि ये वाला helmet में जो मतलब है setup होके, ये तो अपना gym में जब जाएंगे gym time में या फिर कभी अंडा वंडा लेने चले गए तभी ये वाला setup रहेगा. anyways ये वाला helmet और एक helmet में अपना फिर से permanent वाला setup with the सेना वेना का setup करेंगे. दोनों में audio video का पूरा setup होके रेडी देना चाहिए. तो finally इट्स जॉब डन. अभी कल सामान आने के बाद फिर से उसको सेटअप करेंगे एंड उसमें भी एक बार टेस्ट करेंगे कि उसका और इसका दोनों का ऑडियो एक बार कंपेयर भी करके. So good morning guys, time right now in Dubai, here is 11:30 AM, India में हो रहा होगा close to कितना हो गया होगा, close to 1 बज रहा होगा and आज तो भाई total patience का test हो गया, तीन बार अपना strategy का entry condition meet होते होते बचा, नहीं तो सुबह से पूरा मस्त वाला profit चलता. but anyways अभी already last में 4 घंटे का wait के बाद अभी entry हो चुका है, बाद में देखते हैं अभी कहाँ पे ये पहुँचता है. so अभी कुछ दिन पहले actually हमने लिया था GSA delivery of अमित भाई, पूरा ब्लैक वाला exactly my config. बट उस दिन मैं डाल नहीं पाया क्योंकि उसके बाद में इंडिया चले गया था, टाइम भी नहीं हुआ वीडियो डालने के लिए. सो अभी ये वाला वीडियो में आपको वो जो डिलीवरी वाला चीज वीडियोस में आपको डाल देता हूँ. बाकी काफी लोग बोल रहे थे कि सोम भाई ये क्या है बकवास वाहियत वाला डिलीवरीज है, आपका पोर्शा का भी पूरा फालतू डिलीवरी था, BMW तो आपने मंगा दिया घर पे, ये क्या बकवास था. तो भाई लोग यहाँ दुबई में डिलीवरीज कुछ भी मेमोरेबल वाला डिलीवरी होता नहीं है. यहाँ बेसिकली इट्स लाइक ए ट्रेड, मतलब बाय एंड सेल वाला चीज है, आप पैसा दो सामान लेके जाओ. यहाँ कोई फील नहीं आती डिलीवरी वाली, खाली अपन सामान खरीदते हैं फिर लेके लेने के लिए चले जाते हैं. सो इसीलिए मैंने उस दिन शोरूम पे नहीं गया क्योंकि अमित भाई के टाइम पे ही मेरे को मालूम पड़ेगी थी डिलीवरी ऐसा बोरिंग वाला ही होने वाला है. सो डजंट मेक सेंस स्पेंडिंग टाइम, मैंने सीधा उन्हें कह दिया कि भाई आप बाइक मेरे घर पे ही भेज दो. पोर्शे के टाइम पे आपने देखा था कितना बकवास वाला डिलीवरी वाला सिस्टम था. बट एनीवेज GSA वाला जो डिलीवरी था वाला वीडियोस में डाल देता हूं. एंड अभी वी आर एक्चुअली प्लानिंग टू लीव फॉर बाली फॉर फ्यू डेज. मेरे को तो इंडिया भी जाना है नेक्स्ट वीक, उससे पहले अपन बाली जाके मेरा एक्चुअली 3 दिन ब्रांड वीडियोस पेंडिंग है. एंड अपना EMA क्रॉसओवर का एक मतलब एडवांस्ड वाला, मतलब पूरा EMA का हमने स्ट्रेटेजी प्लेयर्स वाला वेबिनार में जितना हमने बात किया था उससे भी और भी एडवांस्ड विद द एंट्री एग्जिट कंडीशन सब कुछ, मैं सोच रहा हूँ कि उसका एक अच्छा से कोर्स फाइल बना दूँ. क्योंकि उसका मतलब उस वही वाला स्ट्रेटेजी यूज का मतलब वो स्ट्रेटेजी का पूरा मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पकड़ने के लिए कि 10-12 लाख हमने ऐसे ही उड़ा दिया था लास्ट साल, उसके बाद से वो स्ट्रेटेजी कभी भी गलत जाता नहीं है. आपको मिनिमम से 85-90% का तो उसमें स्ट्राइक रेट होता ही होता है. इवन इफ इट्स रेंज बाउंड डेज, रेंज बाउंड डेज में भी आपको मालूम पड़ जाएगा कैसे होना है. मैं वो वाला वेबिनार को एग्जैक्टली बता दूंगा कि कैसे आपको ब्रेक लगाना है अगर किसी दिन आपको लग रहा है कि वो कंडीशन मीट हो रहा है, आपको उस दिन एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं लेना. तो वो वाला कोर्स में अच्छे से पूरा बाली में जाके शूट करूंगी. यहाँ दुबई में हो या फिर इंडिया में आई एम श्योर कि शूट नहीं हो पाएगा क्योंकि जब तक कंप्यूटर मेरे पास में रहेगा, फोन मेरे पास में रहेगा, कोई ना कोई ऑफिस से फोन कर रहा होगा, ईमेल आ रहे होंगे, आई विल नॉट बी एबल टू मेक द वीडियोस. तो कोर्स बनाने के लिए अच्छे से पूरा आराम से बैठेंगे, पूरा शांति से बैठ के अकेले में बैठ के पूरा कोर्स को खत्म करेंगे. बट उसके लिए बस खाली हमें थोड़ा बैठ के थोड़ा फ्लाइट्स का टिकट विकेट देखना पड़ेगा क्योंकि इतना जल्दी हम लोग बुक कर रहे हैं. हम लोग तो प्लान करते हैं आज सुबह 6 बजे में उठ के प्लान कर रहा था कि 9 बजे वाला फ्लाइट लेके चले जाऊँ, बट ये लोग रेडी नहीं हो पाएंगे इतना जल्दी. मैं अकेले रहता हूँ, मैं आज ही निकल जाता बैग लेके, मेरा वो वीडियो बहुत दिन से पेंडिंग हो चुका है, मैं कैसे भी करके वो वीडियो खत्म करना है. पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं कि नहीं? बट उसको बस ब्लैक ब्लैक करना है, वो एक बार पूरा फुल ब्लैक हो जाएगा तब ये क्या एक्चुअल लगेगा ट्रिपल ब्लैक. करेक्ट करेक्ट. और जब मैंने आपका वीडियो देखा था डिलीवरी का तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी बाइक की डिलीवरी में आपके साथ हूँ. इधर से उधर. तो भाई लोग आज के लिए इतना ही था. सो अभी वही प्लानिंग है, हम मैं और अमित भाई भी हम लोग बात वही कर रहे थे कि अभी हमें मतलब यहाँ दुबई से अगर वी आर गेटिंग द बाइक्स, हमें देखना है कि ये बाइक्स को क्या हम इंडिया भेज सकते हैं. लाइक
जहाँ के मतलब दुबई में क्या होता है कि वही जुलाई एंड अगस्त एंड मतलब जून जुलाई अगस्त खतरनाक मतलब पूरा धूप रहता है, तो उसी बीच में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से बाइक क्या करते हैं इंडिया भेज देते हैं, वहाँ पे अपना इंडिया के राइड्स मारते हैं, उसके बाद बाइक को फिर भेज देते हैं। सो कारनेट वाला सर्विस है, हमें खाली एक बार जाके समझना है कि कारनेट में बाइक्स कितना लगेंगे। अगर 1-2 लाख के अंदर हो जाता है देन इट मेक्स सेंस, अगर 5-6 लाख बोलता है देन इट डजंट मेक सेंस। उतना पैसा देके कोई मतलब ट्रांसफर करके फिर लेके आओ, कस्टम से क्लियर करवाओ, ये धारा धंधा करने के लिए कोई मतलब इंटरेस्ट भी नहीं है। सो एज लॉन्ग एज इट कॉस्ट समवेयर अराउंड 1-2 लाख फॉर द होल ट्रांसपोर्ट, मतलब दुबई से जाएगा इंडिया फिर इंडिया से बैक आएगा दुबई अपने घर, अगर उतना अगर 1-2 लाख के अंदर हो जाता है कारनेट में देन इट मेक सेंस, तब तो मजा आएगा। तो उसमें क्या हो गया, इंडिया में आप जा रहे हो बाइक में, लोगों को दिख रहा है कि दुबई वाला नंबर प्लेट, और भी मजा आएगा। तो वही है कि इंडिया में आई वॉज जस्ट चेकिंग GST वाला प्राइस, अमित भाई ने जो लिया ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। मैंने जब GST लिया था इंडिया में आई हैड पेड समवेयर क्लोज टू 26 या 27 लाख, अभी तो पकड़ लो वही 30 लाख ऐसा कुछ आ रहा है। यहाँ पे अमित भाई को लगा क्लोज टू आई थिंक 22 या 23 लाख ऐसा कुछ लगे, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था। मेरे को M1000 में बड़ा डिफरेंस था बिकॉज इट्स मतलब बहुत ऊपर में प्राइस टैग था, बट GST में ज़्यादा बड़ा प्राइस डिफरेंस मतलब 3-4 लाख का ही प्राइस डिफरेंस, उससे बड़ा नहीं था। तो देखेंगे अगर कारनेट वाला बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है देन मे भी आगे जाके सोचेंगे इंडिया में एक GST रख लेंगे, मे बी दिल्ली में या फिर बैंगलोर में बुलू भाई के पास, या फिर दिल्ली में JS बाजी के घर में, या फिर भुवनेश्वर में अंकित के घर में, कहीं ना कहीं अपन रख लेंगे। पर उससे पहले ये प्लान करना पड़ेगा कि क्या हम इंडिया में राइड्स पाने के लिए रेडी है, अगर उतना टाइम हम दे सकते हैं देन लेंगे, नहीं तो भाई 30 लाख इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। बट अभी के लिए वही है प्लान, मैं और अमित भाई वही बात कर रहे थे कि अगर वैसा कुछ सिस्टम बनता है हम क्या करेंगे, बाइक्स को इंडिया भेज देंगे, इंडिया में राइड बनेंगे, उसके बाद बैक दुबई भेज देंगे, तो वो भी पूरा परफेक्ट। हर साल जून जुलाई अगस्त में बहुत ही खतरनाक धूप होता है, इट मेक्स सेंस टू टेक द बाइक या फिर कार। मैं तो कारनेट वाले से बात करता हूं, वो बोला था कि आप टाइकन भी एक काम करो इंडिया भेज दो, इंडिया में 2-3 महीना चलाओ, जैसे ही दुबई का समर खत्म होता है उसके बाद बैक लेके आ जाना, बट भाई खर्चा बहुत बड़ा है। Anyways, that's it for today guys. If you have got any questions, let me know in the comments and I will see you on the new vlog.